अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हैंड फैन बना के बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो आप देख सकते हैं। इसका मैं तरीका बताऊँगी कि कैसे बनाया जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है और बहुत ही बनाना आसान है। अगर आप लोग ये चाहें तो आप इसका फ्रेमिंग करा के वॉल पर भी लगा सकते हैं और हैंड फैन भी बना सकते हैं। तो मैं इसका झालर भी बताऊंगी, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले आप लोगों को बताने के लिए, कुछ समझ आने के लिए मैंने ये क्रॉस का निशान पहले ही लगा दिया है। तो मैं आप लोगों को इधर से काउंट करके बताऊंगी कितने पे मैंने ये बनाया हुआ है। तो देखें, बीच का ये छोड़ के मैं काउंट करके आप लोगों को बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 इस साइड में है, और देखें इस साइड में कितना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 इस साइड में है और 32 इस साइड में है, और बीच से मैंने इस तरह से क्रॉस बनाया हुआ है। तो ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बनेगा। और नीचे देखिए मैंने कितना इधर से इस साइड से छोड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 होल इधर से हमने छोड़ा है, 17वां से बनाना स्टार्ट किया है। 32 इधर है और 32 इधर है, इस साइड में है। उसके बाद से ये टोटल हम लोगों का 40 बनेगा। देखिए ये पूरा हम लोगों का 40 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए 20 पे मैंने आधे आध पे ये दूसरा वाला जो क्रॉस है ये बनाया हुआ है, और 20 इधर मैंने छोड़ा हुआ है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, बीच से देखिए यहाँ पे सुई को डालेंगे इस तरीके से, और बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग दुसुत्ती भरते हैं, इसी तरीके से ये भी बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अभी देखिए मैंने इस तरीके से तिकोने में बना दिया। अब इसको काउंट करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 तक हो गया है। तो इस पे हम पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों ये नेट को बांधना नहीं आप लोगों को आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से सुई को करेंगे, और तो इस तरीके यहाँ पे ये कोना बंध गया। दूसरी बार हम फिर इधर कर देंगे, तो इस तरीके से ये बंधता हुआ चला जाएगा। सेम जैसे हम लोग दुसुत्ती बनाते हैं, दुसुत्ती का चादर बनता है, तो उसमें भी इसी तरीके से बांधा जाता है। तो ये भी वैसे ही बांधा जाएगा, और यहाँ पे हम लोग पत्ती बना रहे हैं। तीन चार पाँच छ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छ बंध गया ये। इसके बाद से हम सुई को एक
एक होल आगे करेंगे तो उसके बाद से फिर से बांधना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारी टोटल चार लाइन बनेगी, जैसे देखें यहाँ पे हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4, तो इसी तरीके से ये भी बनेगा नीचे की तरफ। तो देखिए अब मैंने एक तरफ का एक साइड का पत्ती बना दिया है और दूसरी साइड का हम पत्ती बनाएंगे तो इस तरीके से करेंगे और अपने ऊन को हम यहाँ पे ला लेंगे। इसके बाद से सेम उसी तरीके से हम बांधना स्टार्ट करेंगे और 6 जाली बांधेंगे इधर भी। एक दो तीन चार पाँच और एक बांध देंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद से हम नीचे की तरफ 3 लाइन और बना देंगे तो इस तरीके से पत्ती हमारी आ जाएगी। तो इसके बाद देखिए अभी पत्ती बन चुकी है तो हम आगे का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सुई को यहाँ तक ले आएंगे इस तरीके से नीचे से करते हुए और एक जाली बांधा, ये 2 जाली, तीन, तो देखिए 1 2 3 4, ये चौथा बनाने के बाद से हम एक तरफ से ये फिर बांधेंगे। एक दो तीन चार पाँच, तो चलिए मैं ये बनाना आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सुई को यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से निकालेंगे, देखिए इसके बराबर में हमने एक बनाया, फिर इसके बराबर में यहाँ पर बनाएंगे। फिर हम इस साइड में एक ऊपर जाली लेते हुए निकालेंगे नीचे की तरफ और इस साइड में भी एक तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद से दोनों साइड से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सुई, तो देखिए हमने सुई को यहाँ पे निकाला हुआ है, इसके बाद से हम यहाँ डालेंगे और इस साइड में हम यहाँ इस तरीके से,
तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा फ्लावर मैंने बना के कंप्लीट कर दिया है, और हाफ मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है जिसे मैं आप लोगों को मैं बना के बताऊँगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए सारा फ्लावर जो है हाफ हम जब हम बनाएंगे तो पूरा ये जब बन के रेडी होगा तो हार्ट नुमा बन के ये तैयार होगा। तो मैं ये पूरा आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, और एक मैं आप लोगों को बना के बताऊँगी कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सुई में दोहरी धागा डाला हुआ है, और नीचे हम इस तरीके से गांठ लगा लेंगे, और सबसे पहले हम सुई को यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ डालेंगे, और इस तरीके से दूसरी तरफ से बांधते जाएंगे हम नेट को। तो इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे, जैसे देखें यहाँ पे कम या ज़्यादा करके बनाया गया है, इसी तरह से इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी देखिए एक लाइन जो हम बनाए हैं, तो ये ग्रीन वाले से एक ज़्यादा है, अब इससे ज़्यादा एक इधर इसके बाद वाला बनाएंगे, तो ये एक नेट इससे ज़्यादा होगा। देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक भर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से जैसे देखें हम यहाँ पे ये वाली बनाए हैं, तो एक दो तीन, तीन लाइन जो है ये हम लोगों की बढ़ती हुई गई है। उसके बाद से चौथी लाइन जो आई है यहाँ से, तो चौथी लाइन पांच लाइन बनाए हैं, तो बराबर बनाए हैं। उसके बाद से फिर घटना शुरू हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग देख के इसमें हम आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देखें एक दो तीन, और इधर भी एक दो तीन, ये चौथे में बढ़ा है, और ये भी, और दूसरी साइड में देखिए एक दो तीन चार पाँच। जब चार लाइन हम बराबर बनाएंगे उसके बाद से पाँच लाइन हम घटाते हुए बनाएंगे, तो ये सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट वाला आएगा छः नेट का, जिसमें छः नेट हम बांधेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग इसको भी भर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ से देखें एक दो तीन, तीन लाइन मैंने छोटा बड़ा करके इस तरीके से बनाया हुआ है, और पांच लाइन देखें इधर मैंने एक साइज का बनाया हुआ है, जैसे कि देखें एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे पांच लाइन मैंने एक साइज़ का बनाया हुआ है। उसके बाद से फिर से यहाँ से छोटा बड़ा होना स्टार्ट हो गया, जैसे देखें मैं एक ये छोटा बनाई, इससे छोटा एक और बनाऊंगी। तो मैं ये बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बना बना के समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो इसी तरीके से हम बना लेंगे पूरा। देखिए जैसे हम यहाँ पे बनाया छोटा बड़ा करके, ऐसे ही पांच लाइन यहाँ भी छोटा बड़ा करके बनाएंगे। तो दो हम बना रहे हैं, बना दिए यहाँ से, और तीन यहाँ तक बना देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये फ्लावर भी। तो अभी फ्रेंड देखिए ये मैंने पूरा बना के कम्प्लीट कर दिया, ये इस तरीके से बनेगा। और मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाने का, बना के दिखाने का और बताने का कोशिश की हुई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आप लोग चाहें तो इसको फ्रेम करके आप दीवार पे भी लगा सकते हैं फ्रेमिंग करा के, और इसे इसका चाहें तो आप लोग पंखा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेमिंग कराएं तो फ्रेमिंग में हो जाएगा, और अगर आप लोग इस तरीके से इसकी डंडी वगैरह लगा के इसको अच्छी तरीके से बना दें तो हैंड फैन भी ये बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है इसका बनाना, और मैंने पहले ही एक वीडियो में मैंने इसको बांध के बना के बताया हुआ है, तो आप लोग उसे चेक ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे लगा के हम बांध देंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से यहाँ से लगा के यहाँ पे बांध दिया जाएगा ये चारों तरफ से, और ये इसके किनारी बनाई जाएगी। तो
बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो मैं इसका आप लोगों को हैंड फैन बना के बताऊंगी, और आप लोग चाहें तो इसे फ्रेमिंग करा के आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे चार जगह टक लगाया हुआ है, एक यहाँ पे बांधा ये और एक लास्ट में। तो बहुत अच्छी तरीके से बांध दिया हमने यार, ये हिले डुलेगा नहीं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको कट कर देते हैं इस तरीके से, इधर से, और थोड़ा सा बड़ा ये भी है तो इसको यहाँ से हम काट लेंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसका किनारी बुन के क्रोसिया से आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक एक नेट में डाल के मैं सिंपल क्रोसिया यहाँ पे बना रही हूँ। और ये आप लोग अगर क्रोसिया चलाना जानते हैं तो बहुत आसान है ये बनाना। मैं वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से चारों तरफ हम अपना बना लेंगे। तो अभी देखिए सारा बुनने के बाद से चारों तरफ हम अच्छी तरीके से बुन लेंगे। उसके बाद से हम इस तरीके से सिंपल क्रोशिया में 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद से हम देखें थोड़ी दूरी पर लेके हम इसको अच्छी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, फिर 10 चेन लेने के बाद से उसके बगल में हम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देंगे। चल चल बदल बनी। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा तीन तरफ बना लेना है। एक साइड में हम नहीं बनाएंगे, जिस साइड में हम हमारी डंडी है उस साइड में नहीं बनाएंगे। और इस तरीके से देखें यहाँ पे, तो हमने जो चेन बनाया था उसमें मोती लगाया है। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताने के लिए लगाया है। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये मोती लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई वाली धागा ली हुई है छोटी वाली सुई में, और हम यहाँ पे अपने कलर के हिसाब से जो आपको कलर पसंद हो उस कलर की आप मोती लेके तीन तीन मोती इसमें टक लगाएंगे जो हमारी चेन है उसमें। देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ऐसे ही सारे जितनी जालियां हैं हमने बनाई हुई हैं सारे में हम अच्छी तरीके से तीन तीन मोती करके लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे आधी फैन में वाइट कलर की मोती लगाई हुई है और आधी फैन में येलो कलर की मोती लगाई हुई है। आप लोगों को पसंद जिस कलर का उस कलर का लगा सकते हैं आप लोग। अभी देखिए सारे फैन में मैंने इस तरीके से मोती लगा के कंप्लीट कर दिया है, और यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। हर कोई पूछेगा आप लोगों से ये बनाने का तरीका, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बना के बताया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें नाम भी अपना लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। आप लोग